शुक्रवार की देर संध्या लगभग 9:15 बजे एमएस कॉलेज स्थित पेट्रोल पंप के सामने एसएस पत्रन पर भीषण सड़क दुर्घटना में चौकीदार व दफादार संघ के जिलाध्यक्ष भीम पासवान की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। चौकीदार व दफादार संघ के जिलाध्यक्ष भीम पासवान का शव जैसे ही आदर्श थाना भवन परिसर चेरिया बरियारपुर पहुंचा, स्थानीय सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने पर उमड़ पड़ी। इस दौरान दुर्घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए हताहत चौकीदार के प्रेम स्नेह के प्रति लोगों की आंखें नम दिखी। लोग नम आंखों से शव पर एक पुष्प चढ़ाने को आतुर दिखे। लगभग 15 मिनट तक शव को थाने परिसर में रखा गया। इस दौरान बीडीओ डॉक्टर नुसरत जहां, सीईओ योगेश दास, सर्किल इंस्पेक्टर दीपक कुमार, थानाध्यक्ष अमर कुमार, पूर्व थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन, नीरज सिंह, एएसआई भोला शर्मा सहित थाने में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारियों, चौकीदारों व दफादारों ने नम आंखों से पुष्प अर्पित करते हुए सलामी दी। इसके उपरांत शव को सकरबासा के लिए रवाना किया गया। सड़क दुर्घटना में हताहत चौकीदार का शव सकरबासा गांव पहुंचने से पहले सैकड़ों की संख्या में गांव एवं आसपास के लोगों की भीड़ आवास पर जमा थी। इसी बात से उक्त चौकीदार के लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताते चले कि जिस तरह आम लोगों में हताहत चौकीदार की लोकप्रिय थी, ठीक उसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी अपनी कार्यशैली, बात विचार एवं काम के प्रति समर्पण भाव के कारण काफी लोकप्रिय थे। इसका उदाहरण है कि दुर्घटना के तुरंत बाद जिले के कोने कोने से पुलिस पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर गहरा दुख प्रकट करते हुए परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त करते दिखे। पूछे जाने पर थानाध्यक्ष अमन कुमार ने प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना की बताते हुए विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन की बात कही। वहीं परिजनों के द्वारा साजिश के तहत शराब माफियाओं द्वारा दुर्घटना को अंजाम दिलवाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है।